वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी फतेह। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। की हालचाल, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ BDP में, भारत दर्शन पार्क में। तो पिछली बार मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, कहाँ पे गई? तो पिछली बार मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड और इसका नाम है साक्षी खुराना। प्रोफेशन से ये है मेकअप आर्टिस्ट। yes. और किस नाम से तेरा पेज? इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है मेरा पेज साक्षी एडोर मेकओवर्स के नाम से। साक्षी एडोर मेकओवर्स। तो भाई मैं इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो फ्लैश करवा दूंगा और आप बने रहो ब्लॉग में। टिकट तो लेनी है, ऐसी गुजरे अंदर। तो भाई पहले लेते हैं टिकट। तो आई थिंक वीकेंड पे 150 रुपीज़ है और वीकडेज पे 100 रुपीज़ है। तो जी यहाँ से मिलेगी टिकट। भैया दो टिकट थे ना? 300 रुपये। वीकेंड्स और वीकडेज पे अलग अलग है रेट्स? वीकडेज पे 100 रुपीज़ और वीकेंड पे 150। ओके, और नाइट का भी फ़र्क है इसमें? डे और नाइट आफ्टर 5:30 150 पर पर्सन। ओके थैंक यू भैया। तो जी अब हम कर रहे हैं एंट्री। तो ये है हमारा एंट्री गेट। काफ़ी सुना है इस पार्क के बारे में। वसुदेव कुटुंबकम। तो जी इस पार्क की पूरी डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। इससे पहले जो 7 वंडर्स वाले पार्क में गया था वो भी कुछ मिलता जुलता था इससे, बट ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, एंगल्स पाइप्स लग रखे हैं इसमें, साइकिल फॉक लग, चिमटा लगा हुआ है साइकिल के। अच्छा। टायर के रिम्स लगे हुए हैं इसमें, साइकिल टायर्स। हाँ साइकिल के टायर्स लगे हुए हैं और गियर्स भी लगे हुए हैं इसमें। दिख रहे हैं? अच्छा लग रहा है कुल मिलाकर। रात में और अच्छा लगेगा। तो स्वागत हुआ हमारा गेटवे ऑफ इंडिया से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ओहो ये देख कितना सुंदर लग रहा है, पुराने सिलेंडर से बना रखा है ये पेड़। चेक आउट दिस। डिटेल दिखाते हैं ना, बस कोई बैठने की जगह मिलनी चाहिए इसको। मस्ती। ये पता है ऐसा सेम वहां पे भी बना हुआ छोटा सा उस साइड पे, 7 वंडर्स वाले पार्क में। अब मुझे यहाँ से कुतुब मीनार भी नजर आ रहा है। हो रहा उस साइड पे दिख रहा है आपको? लाइट ज़्यादा है ना, दिखेगा नहीं। अभी वहीं चलते हैं। अब क्या आया होगा गेस करो, जो जयपुर में है, जयपुर की शान। ये आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपका नानका है जयपुर में, इसलिए। ये किससे बना रखा है? सारे वेस्ट मटेरियल से। बट रात में भी तो दिखाएंगे ना हम। हाँ। बहुत बढ़िया। मेरे को दिख रहे हैं ये शॉकर्स दिख रहे हैं, ये रहे इस साइड पे, ये रहे। तो ये है जी गोल गुंबद, गुंबद लिखा हुआ है, देख। तो हाँ, इंग्लिश में गुंबद और हिंदी में गुंबद। हाँ। ये जी इसकी डिटेल्स। बहुत ही बढ़िया। ये लाइट छोटी छोटी बनी हुई, रात को इस पे पड़ेंगी ना। अच्छा, तो ये अलग ही चमकेगा। अच्छा, इनके अंदर लाइट्स नहीं है? इनके अंदर नहीं, बाहर की तरफ है लाइट।
बता बताऊँ, मैं दिल्ली में रहकर कभी कुतुब मीनार नहीं गया। नहीं, मैं स्कूल से गई। और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार यहाँ पे आ गया, देखो अब जरा। वाह, कुतुब मीनार यहाँ पे आ गया। अरे देखो ना, ओहो, ये तो सबको पता ही है यार, इसके बारे में क्या बताना है। भाई जितने भी ये फोटोज़ और जितनी भी रील्स हैं ना, आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा दोनों का, इनके स्क्रीनशॉट्स भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। ये तो खतरनाक है, बड़ा साहब, बहुत जबरदस्त। मैंने तो बड़ा पास जाके बजाया और मैंने बहुत तेज बजाया। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर एग्जैक्टली, मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है यार। इसकी जो ये नक्काशी है ना, जैसे जो बनाया गया है कारीगरी, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो, अब चेकआउट करो, ये देखो। अच्छा रील बना देना। तो रील बना दे, प्यार से बोलोगे तो बना दूंगी। मैम रील बना दीजिए। ये मैम भी नहीं चलेगा, रहने दो। ज्यादा चोरी होती है ये, ज्यादा इज्जत हजम नहीं होती मुझे आपके मुंह से। ये ज्यादा चोरी, यहाँ से चोरे हैं ये डॉले शोले, डॉले शोले। ऐसे भी आ सकते हो आप। नहीं नहीं, जब मैं बच्चों वाले जगह बैठी थी तो आपने मना कर दिया मेरे को, और आप खुद बैठ रहे हो क्यों? ये कहाँ की, ये कहाँ की फ्रेंडशिप हुई थी? 18 साल से कम बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है? लड़े जा रही है, लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। खुद तो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हो आप। स्टार्ट कर, ठोकने वाली है, पता कहाँ पे? ये सीधा ठोकेगी वहाँ पे। क्या हुआ? उसमें घंटे के अंदर, घंटे के अंदर घंटा ही नहीं है। अच्छा लग रहा है ना। वेस्ट मटेरियल से इतना सब कुछ बनाना, कितना मतलब उसका काम है। तारीफ है काफी। हाँ ये है क्या? बट कारीगिरी देखो, कारीगिरी। उद्घाटन हुआ था। अच्छा अच्छा अभी मतलब पिछले साल, अभी एक साल से थोड़ा ज्यादा होगा। एक वहाँ भी बना हुआ ना हमारे सराय काले खां में, सेवन वंडर्स वाला, वहाँ भी गया था, वहाँ काफी अच्छा बना रखा है। वहाँ पर भी साथ ही है। हाँ हाँ, यहाँ पर टोटल 21 है। हाँ वो तो सात है ना टोटल, ये वो पूरे वर्ल्ड के हैं, ये भारत के हैं ना। ओके भैया, थैंक यू। हाँ जी यूट्यूबर, हमारे यूट्यूबर खास, तो कैसा लगा आपको आज का हमारा प्लेस? बहुत अच्छा है फिलहाल, अभी तक तो बहुत अच्छा है। सीरियसली आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है। सांची स्तूपा, ये ओरिजिनल वाला है, और ये वाला है जो वेस्ट मटेरियल से बना रखा है। बस शक्ल तो शरीफ है ये। है ना? नहीं, ऊपर देखो, ऊपर देखो। हेलो, स्माइल करो, स्माइल। हाय, सेटिंग अच्छी है ना?
पुरानी दिल्ली के चाट, दही वाला, चांदनी चौक का लजपत जलेबी वाला फेमस है। अभी यहाँ पे घंटा घर भी दिखा रखा है जैसे। तो हमने ली है यहाँ पे पाव भाजी और कुल्हड़ चाय एज ऑलवेज। क्या बना हुआ है? विक्टोरियल पैलेस। तो जी अब पहुंचे हम ताज महल में। जी आ चुके हैं बाहर, मज़ा आ गया यार, मज़ा सीरियसली ना। हाँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है यहाँ का, और फैमिली वाले जरूर आए यहाँ पे। सीरियसली अपनी जब भी आओगे अपनी फैमिली के साथ आना। हाँ। बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ऑसम बना रखा है, और एक एक पार्ट मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है ना सारा वेस्ट मटेरियल से बना रखा है, और आर्ट उसका आर्ट बहुत बढ़िया लगा मुझे। बनाने का तरीका ना वो बहुत बढ़िया है, बारीकी से बना रखा है। और बात कर लेते हैं खाने पीने की। वो भी बड़ा अच्छा था, अच्छा था खाना पीना, अच्छा टेस्टी था, रेट्स भी अच्छे थे। अगर आपको यहाँ पे आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा मोती नगर, और वहाँ से ऑटो मिलेगा आपको 50 रुपीज़ में यहाँ तक पहुँचा देगा। और बाय रोड आओगे तो मोती नगर का ये सामने रिंग रोड पड़ेगा इस साइड पे पंजाबी बाग की तरफ से। टाइमिंग बहुत सही है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, आप जब मर्जी आ सकते हो, दिन में भी नाइट में भी। कोशिश करना कि शाम को ही आना, क्योंकि शाम को लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। If you like this video, give it a thumbs up. Channel ko subscribe karke bell icon daba dena. I'll catch you in the next one. This is your friend Rajat signing off. Peace.